दोस्तों स्वागत है आपके में आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में और आपको बता दो कि यहाँ पर अब जितनी भी परीक्षाएँ होंगी अब वह ऑनलाइन परीक्षाएँ यहाँ पर करवाई जाएंगी युग पड़े सी यहाँ पर जो है ऑनलाइन परीक्षा कराएगा और इससे जो है धांधली कम होने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे और पहली बार उत्तराखंड में जो है अब ऑनलाइन यहाँ परीक्षा होगी और इसके लिए आपको बताने वाले हैं और कौन कौन से यहाँ परीक्षाएँ ऑनलाइन होंगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा और कब तक जो है इसका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है और वहीं हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में वन दरोगा में कितनी पदों पर जो भर्ती होने वाली है और आपको बता दो कि यहाँ पर देखिए समूह गाँव के पाँच पदों की भर्ती होनी है और उसके लिए जो है यहाँ पर जो युक्त प्रेस ने कह रखा है और यहाँ पर कहा गया है कि पाँच हज़ार पदों पर यहाँ पर प्रस्तावित भर्ती है और इसके लिए जो है लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार है लॉकडाउन जैसे ही खुल जाता है वहाँ पर जो है भर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कई भर्तियाँ यहाँ पर पेंडिंग में हैं और उसके बाद ही यहाँ पर एग्ज़ाम भी होंगे तो देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है यूके एस ने और उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों पहली बार ऑनलाइन होगी भर्ती परीक्षा तो पहली बार यहाँ पर ऑनलाइन होने वाली है भर्ती परीक्षा समूह की यानी कि युगपी अब जितनी भी भर्ती करवाएगा वो सारे सारे ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पर करवाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है समूह ग की परीक्षा कराने को सरकार ने दी मंजूरी तो यहाँ पर सरकार ने मंजूरी दे दी गई है कंपनी की फाइनेंशियल बिट पर सीएम लेंगे फैसला तो यहाँ पर कंपनी की जो फाइनेंशियल वेट है उस पर जो है सीएम लेंगे फैसला तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश में पहली बार समूह को पदों की भर्ती परीक्षा यहाँ पर जो है ऑनलाइन होगी परीक्षा कराने के लिए जो है कैबिनेट ने अधीन सेवा चयन आयोग को मंजूरी दे दी यानी कि युक्त प्रसिद्ध को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली कंपनी के फाइनेंशियल बिट पर मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है तो यहाँ पर जो है कौन यहाँ परीक्षा कराएगा उसके लिए जो है जिस कंपनी को यहाँ पर दिया जाएगा उस पर जो है आज जो सी है वो यहाँ पर निर्णय लेंगे समूह पदों की भर्ती परीक्षा जो कि यहाँ पर तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए अधिन सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर सरकार को ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव भेजा था तो ये जो प्रस्ताव था यू कैबिनेट में प्रस्तावित हो चुका है कंफर्म हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए छह कंपनियों ने टेंडर भरे थे तो छह कंपनियों ने यहाँ पर टेंडर भरे थे ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए इनमें से जो कि तीन कंपनियों का चयन फाइनेंशियल बेट के लिए किया गया तो यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल बिड है वो भी यहाँ पे कर लिया गया है तीन कंपनियों का फाइनल जो यहाँ पर रहेगा सीएम लेंगे किस पर जो है कौन सी कंपनी यहाँ परीक्षा करवाएगी अधिनयश सेवा चयन आयोग के पास वर्तमान में विभिन्न विभागों से पाँच हज़ार पद पाँच हज़ार पाँच हज़ार खाली पदों पर जो है प्रस्ताव हैं यहाँ पर लिखा गया है तो इनके पाँच हज़ार पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर करानी है यू के को और यहाँ पर यू के ने पहले भी कह दिया था कि पाँच हज़ार पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया करानी है और उसमें से आपके यहाँ पर जेई है पशुधन प्रसार अधिकारी है और अदर एग्ज़ाम भी हैं कनिष्क सहायक है और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है लगभग सात सौ साढ़े सात सौ कनिष्क सहायक यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर उनकी पोस्ट हैं और वैसे ही यहाँ पर डेढ़ सौ के समथिंग जो कि यहाँ पर जेई एग्ज़ाम के हैं और समथिंग जो प्रश्न तो प्रसार तो तो देखा डेढ़ सौ दो सौ की समथिंग जो है इसकी भी पड़ी हुई है तो फिलहाल जो ये सोच रहे हैं कई लोग यह भी कमेंट कर रहे थे कि इन पदों पर फॉर्म भरे जाएंगे फिर से हाँ तो यहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन यहाँ पर खुल जाता है आपका तो इन पदों पर फिर से जो है नए जो है अप्लाई होंगे जिन अभ्यर्थियों ने पहले अप्लाई कर लिया है उनको नहीं करना होगा इनमें अप्लाई और जिन्होंने नहीं कर रखा तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब बात रही जितनी बात रही आपकी कि फॉरेस्ट इंश्योरेंस बंद होगा का जो यहाँ पर पेपर होगा वो कब तक होगा इसके लिए भी योगे त्रिपरी ने पहले एक अपडेट दे दिया था कुछ हफ्ते पहले मैंने एक अपडेट दिया था तो आप लोगों ने देखा होगा ठीक है नहीं तो आप जाकर मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं वहाँ पर अपडेट दे रखा था कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर और यहाँ पर जो आगामी परीक्षाएं होंगी और इसकी नई जो भर्ती विज्ञप्ति होंगी उसके रिगार्डिंग यूके तो पड़े सी ने खुद ऑफिशियली यहाँ पर दिया हुआ था ठीक है आप चाहें तो संवाद लिंक से आप वहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर साफ साफ लिखा गया था कि जैसे यहाँ पर तो लॉकडाउन खुलेगा तीन तारीख के बाद से तो हम परीक्षाएँ करा देंगे ऐसा यहाँ पर लिखा गया था लगभग यानी कि आपके लॉकडाउन खुलने के बाद से डेढ़ दो महीने के बाद से भी परीक्षाएँ यहाँ पर हो जाएंगी अब बात करें कि वन दरोगा में कितनी पोस्ट यहाँ पर होंगे? कई लोग ये जानना चाहते हैं कि वन दरोगा में कितनी पोस्ट वाली भर्ती होगी तीन सौ सोलह पदों पर जो है भर्ती आई हुई थी और इस पर जो है केस भी चला था कि कुछ यहाँ पर हुआ था कि तैंतीस परसेंट जो है यहाँ पर वन आ, जो कि यहाँ विभाग के द्वारा जो लगाया गया था कोर्ट में और आपको बता दूँ कि ये कोई स्टे का ऑर्डर नहीं था इस पर जो है सिर्फ विभाग से मांगा गया तैंतीस परसेंट यहाँ पर होनी है या नहीं होनी है इस पर जो है कहा गया था लेकिन मैंने आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक ऑफिशियली दिखा रखा था लगभग यहाँ पर एक वीडियो में बता देता हूँ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके बारे में कि कितनी पदों पर भर्ती होने वाली है इसका ऑफिशियली यहाँ पर ठीक है ऑफिशियली है जो कि ऑफिस से आया हुआ है वन विभाग की ओर से वो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया गया था कहीं लोगों ने देखा नहीं होगा एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि ये ज़्यादा जितना भी कन्फ्यूजन आप सभी को कि तीन सौ सो सोलह पदों पर भर्ती होगी या नहीं होगी सारा कन्फ्यूज़न उस वीडियो में आपको क्लियर क्लियर नज़र आ जाएगा तो वो वीडियो आप लोग इसमें देख सकते हैं अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे उत्तराखंड तो बंद रहेगा भर्ती करके तो यहाँ पर आप मेरा चैनल देख जाएगा यहाँ पर सिर्फ मेरा चैनल देखना कहीं और पर मत देना क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियली नहीं होगा तो एन सी आर टी बुक्स चैनल ये आप लोग देख सकते ग्यारह हज़ार व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा लगभग जो है नौ महीने पहले मैंने यहाँ पर डाला हुआ था ठीक है नौ टाइम देख लेना नौ महीने पहले है और भर्ती उसके बाद आई थी और उसमें क्या लिखा गया था कि भर्ती परीक्षा आपको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ऑफिशियली है कि तैंतीस परसेंट भर्ती होनी है या नहीं होनी है तो इस पर जो है मैंने चर्चा कर रखी है इस विषय पर तो उसमें आप अच्छे से देखना आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितनी पोस्ट बंद रोग में थी और कितनी भर्ती यहाँ पर ओपन भर्ती से हो रही है और जो केस था वो तैंतीस परसेंट पर ही था तो तैंतीस परसेंट वाला क्लियर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तरह के लिए गुड बाय